सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और भाई, बहुत लोगों की जो इंक्वायरीज आ रही थी कि भाई इसमें ब्रेजा में क्या प्राइस पॉइंट होने वाला है, क्या फीचर्स होने वाले हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाले, वैसे तो अनरिवील पूरे तरीके से हो गई गाड़ी और लॉन्च भी हो गई, लेकिन बहुत लोगों का डाउट ये है कि क्या इसका प्राइस रहने वाला है, कौन कौन से वेरियंट आने वाले हैं, तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल आइकन कॉल प्रेस कर देना। एंड चलते हैं आज का वीडियो डिटेल्स में शुरू करते हैं। तो पहले अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं या मॉडल्स की बात करूं, तो यहां पर जो कंपनी क्लेम करती है स्टार्टिंग प्राइस 7,99,000 रुपये से लेके एक्स शोरूम जो है आपका ZXI डबल टोन वाले ऑटोमेटिक वेरियंट तक की जाएगा, जिसकी कीमत है 13,96,000 रुपये। तो भाई देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे जैसे मॉडल्स आते रहेंगे वैसे वैसे आपके प्राइस पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। और अगर आपको गाड़ी बुक भी करनी है तो 11,000 रुपये अमाउंट है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने गाड़ी बुक भी कर ली है और अनरिवील पूरे तरीके से हो गई है। और मैं अगर पूरे पूरे मॉडल्स के प्राइस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर देखो LXI जो है वो मैनुअल में ही आता है, ऑटोमेटिक में नहीं आएगा, तो आप सभी लोगों को 7,99,000 रुपये का पड़ेगा। वहीं पर आप सभी लोगों को VXI जो है 9,46,500 रुपये का पड़ेगा। और वहीं पर ZXI जो है आप सभी लोगों को 10,86,500 रुपये का पड़ेगा। और वहीं पर ZXI डबल टोन जो है 11,02,500 रुपये का पड़ेगा। वहीं पर ZXI प्लस जो है 12,30,000 रुपये का पड़ेगा। और उसी के साथ लास्ट जो हमारा मॉडल बचता है ZXI प्लस डबल टोन जो कि 12,46,000 रुपये तक की एक्स शोरूम जो है वो जाएगा। और वहीं अगर इसके टॉप में मतलब ऑटोमेटिक की बात करें तो 13,96,000 रुपये का एक शोरूम देखने को मिलेगा। और गाड़ी के रियर प्रोफाइल्स में क्या क्या अपडेट्स आएंगे, तो देखो बेस वेरियंट में तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, ना आपको DRLs मिलेंगे, ना आपको फॉग लैम्प मिलेंगे, ना आपको अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिलेंगे। कि हालांकि टॉप मॉडल में या ऑटोमेटिक लो या मैनुअल लो तो उसमें आप सभी लोगों को ड्रिल भी ठीक ठाक ही मिल जाती है, CCF DRLs 22 प्रोजेक्टर हेडलैम्प अलॉय व्हील 16 इंचेस के, और काफ़ी बेहतर से फॉग लैम्प भी देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी बेहतर। और सनरूफ भी मिलेगा, बेस वेरियंट में सनरूफ भी नहीं आएगा, 2 एयरबैग्स ही आएंगे, लेकिन टॉप में आप सभी लोगों को 6 एयरबैग्स भी देखने को मिलेंगे। तो मेरी मानिए तो आप टॉप मॉडल की तरफ जा सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा पैसा लगा के अच्छी सेफ्टी ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन रोड्स पे आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो यही थी आज की ब्रेजा की जो डिटेल्स हैं, और डिटेल्स के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो हम लोग लाने वाले बहुत जल्द। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।